नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे वीडियोस में आ रहे थे कि IFT मशीन को हम प्रैक्टिकली अपने जॉइंट्स पेन के लिए किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाऊं, तो ये सीरीज़ का पहला एपिसोड है और आज में मैं आपको नी पेन के लिए किस तरह से IFT मशीन को इस्तेमाल करना है, इसका इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट क्या है, ये सब के बारे में आपको बताऊँगा। जो लोग घर से अभी नहीं निकल पा रहे हैं वो पोर्टेबल मशीन यूज़ करके इस तरीके से आप IFT मशीन को आप अपने जॉइंट्स पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी एक स्टैंडर्ड IFT मशीन का 4 इलेक्ट्रोड होता है। ये IFT मशीन है और इसमें से ये 2 रेड दिख रहा है, ये पैसिव इलेक्ट्रोड्स के होते हैं और ये 2 ब्लैक वाला दिख रहा है ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के होते हैं। तो आपको नी पेन के लिए आपको 2 स्ट्रैप चाहिए। आप एक स्ट्रैप को नी के ऊपर बांधेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्ट्रैप को आप नी के जस्ट थोड़ा सा नीचे इसको बांधेंगे, हो गया। और उसके बाद क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स है आपको पहले ब्लैक वाला इलेक्ट्रोड्स लेना है, ये ब्लैक है, और फिर मैंने इसको इस तरफ लगाया इस तरह से, ठीक है। और फिर दूसरा वाला जो है आप इसके ऑपोजिट, अगर मैं इसको इस तरफ लगाया तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे लगाना है, और फिर उसी तरह से रेड वाला को आप यहाँ लगाएंगे और इसके ऑपोजिट में ऐसे लगाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में जो मैंने मशीन यूज़ किया है वो प्रोफेशनल यूज़ के लिए, हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं। आप लोग अगर अपने घर में इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप पोर्टेबल वाला इस्तेमाल करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के दे दूंगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो IFT क्या करता है कि रेड और ब्लैक चैनल एक वेव फॉर्मेशन या फिर यहाँ पे एक स्टिमुलेशन होता है, और यहाँ रेड भी एक होता है वेव फॉर्मेशन जो आपस में इंटरसेक्ट होके इंटरफेयर होके IFT करंट बनाता है, जिसे हम लोग इंटरफेरेंशियल थेरेपी कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग इंटरफेरेंशियल यानी इंटरफेयर होकर के, और ये आपका ये जो क्रॉस जो है वो नी के ऊपर अंदर में हो रहा है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे आप इंटेंसिटी को आप बढ़ाएंगे, आपको उतना ही इंटेंसिटी लेना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और कम से कम आप 10 मिनट का सेशन ले, या आप 20 मिनट भी ले सकते हैं, 15 मिनट भी ले सकते हैं, 20 मिनट से ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एक बार में, लेकिन मिनिमम 10 मिनट का सेशन लें। और जब आप लेंगे उस समय में आप पूरा रिलैक्स होकर के बैठेंगे इस तरह से, और आपको हल्का सा झंझनाहट महसूस होगा, जैसे चींटी शरीर पर चल रहा है उस तरह से गुदगुदी सा महसूस होगा, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। नी पेन के ऊपर में मैंने और भी कई वीडियोस बनाए हैं, आप स्क्रीन के ऊपर है उसको आप जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।